कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर किसान इंच भर भी पीछे नहीं हटना चाहते। इस बात की तस्दीक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयान से साफ हो गया। टिकैत ने सख्त लहजे में न सिर्फ कृषि कानून को रद्द करने की मांग की बल्कि प्रशासन को भी नहीं टकराने की चेतावनी दे डाली। सोमवार 14 दिसंबर को किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल जैसे ही खत्म हुई, राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी प्रशासन की मनमानी को चुनौती दी। टिकैत ने कहा कि यूपी पुलिस किसानों का उत्पीड़न कर रही है, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किसानों की ट्रॉलियां बंद की जा रही हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के किसानों को भी रोका गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को प्रताड़ित किया गया तो किसान पुलिस थानों में अपना पशु बांधना शुरू कर देंगे। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले, अगले की जो रणनीति होगी वो कल के बाद में होगी, और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं, आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रॉलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में थानों में पशु बंधेंगे, जिस तरह से हमारे लोगों का हरेसमेंट करा जा रहा। मुहिम को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते किसान वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हर रोज नई रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि करीब 18 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।